हेलो एवरीवन, ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट होने पर बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइकोरियोनिक डाइएम्ब्रियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी है तो इस टाइप की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के जो चांस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। और इसका रीजन होता है क्योंकि इसमें दोनों बच्चों की अपनी एक सेपरेट अलग अलग थैली होती है एंड दोनों बच्चों का अपना एक अलग अलग प्लासेंटा होता है। डाइकोरियोनिक डाइएम्ब्रियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी का सही टाइम होता है वो होता है 37 वीक्स से लेकर के 38 वीक्स के बीच में होना। लेकिन अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं तो आपकी डिलीवरी 37 वीक से पहले भी हो सकती है। और मैं आपका एक डाउट और दूर कर दूं, वैसे तो डाइकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, लेकिन आपकी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी रही बट लास्ट टाइम पे आपके बच्चों ने पोजीशन चेंज कर ली, यानी कि ब्रीच पोजीशन ले ली या फिर वो तिरछे हो गए, जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं और आपको डॉक्टर सी सेक्शन के लिए बोलते हैं, तो आपको जो सी सेक्शन है वो आपको 37 वीक्स के बाद ही कराना है, क्योंकि 37 वीक्स कंप्लीट होने पर आपके जो बेबी होते हैं वो अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं और जब उनको बाहर निकाला जाता है तो उनमें हेल्थ प्रॉब्लम होने के भी चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं एंड उनको किसी भी तरीके से जो है NICU वगैरह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। और मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं जो है 37 वीक से पहले ही सी सेक्शन करवा लूं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ट्विन प्रेगनेंसी में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आपको हर काम में दिक्कत होगी, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, हर तरीके से दिक्कत होगी। और इतना ही नहीं, आपको कमर दर्द, घुटने में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, ये बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, इसलिए आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप बच्चों को प्रॉपर गर्भाशय में टाइम नहीं देंगी तो फिर जब वो बाहर आएंगे तो उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए आप इस बात को जरूर समझें। और इसके अलावा डाइकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में जो रिस्क होते हैं वो होते हैं जैसे कि प्रीक्लैम्प्सिया की शिकायत होना, प्रीक्लैम्प्सिया बोला जाता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर रहना या फिर आपकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा का बढ़ जाना या फिर आपके हाथों में, पैरों में एंड बाजू में बहुत ही ज्यादा सूजन आना। एंड इसके अलावा जो दूसरा रिस्क होता है IUGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब होता है कि जो आपके बच्चों की ग्रोथ होती है वो अचानक से स्लो हो जाना या फिर बहुत ही ज्यादा कम होना या फिर एकदम से बंद हो जाना, तो और ये जो समस्या होती है वो ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। ऐसी सिचुएशन में जो है जल्दी डिलीवरी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इसके अलावा IUFD यानी कि इंट्रा यूट्राइन फेटल डेथ, यानी कि किसी भी कारणवश आपके ट्विन्स बेबी में से किसी एक बच्चे की डेथ हो जाना, और ये समस्या भी ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ चाहे आपकी डाइकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी हो या फिर आपकी मोनोकोरियोनिक हो, आपको दोनों ही टाइप की प्रेगनेंसी में अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है एंड डॉक्टर की बात प्रॉपर माननी है एंड टाइम टू टाइम आपको जो भी सप्लीमेंट दिए जाते हैं वो लेने हैं। एंड इसके अलावा आपको हेल्दी से हेल्दी भोजन करना है और आपको खुश रहना है और आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपकी सी सेक्शन। बस आपको ये दुआ करनी है कि आपकी जैसी भी डिलीवरी हो आप और बच्चे दोनों हेल्दी रहे। और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।